अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भाग मास्टर भाग, अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 20 दिन ये लोग और क्लास करें, 20-25 दिन मैक्सिमम, 25 हाँ 25 दिन, 25 दिन गिन के क्लास करें, और उसके बाद 15 दिन एकदम चौ से चुतर, चौ से चटाई पर, चौ से चिपका के खाली पौ से प्रैक्टिस, चौ से सेट, बस मारे नकारात्मक लोग से बचे, चोर दलाल से बचे, बहुत लोग आएंगे बोलेंगे हम करा देंगे, उनसे बचे और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें। 25 दिन लगातार क्लास में रहने, बच्चों को होता है कि जागते रहते हैं, तो 25 दिन क्लास में रहें और क्लास में भी रहें तो क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात बता दें, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, लगे कि मैं सर से नहीं पूछ पाया, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर से मैं सर का इंटरव्यू लूंगा। और जो आप चाहते हैं इसके बाद रामान सर से जिस पर डिस्कस करना, आप लोग जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। तो उस वक्त मैंने कहा था कि लड़कों ने पूछा था हमसे कि ऑप्शन कितने रहेंगे और नेगेटिव रहेगा कि नहीं, तो मैंने स्पष्ट रूप से जितने मेरे बच्चे उनसे पूछेगा आप, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नेगेटिव भी रहेगा और ऑप्शन में पाँच को रहेगा, पाँच रहेगा, क्योंकि परीक्षा BPSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, आप लोग अब लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि समय से एग्जाम होगा, और अब जो 40 दिन बचा हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे हुए हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें यही कन्फ्यूजन है कि अब क्या करें, क्योंकि जो OMR शीट जारी किया गया उसमें ही बता दिया गया है कि निगेटिव है और उसके साथ साथ पांचवा ऑप्शन भी रहेगा, तो थोड़ा सा अब अभ्यर्थियों को समस्या हो रहा है, क्योंकि जो भी सेट प्रैक्टिस किए हैं या कहीं भी ध्यान दिए हैं तो वह चार ऑप्शन पर दिए हैं, लेकिन कल का जो आया उसमें आप देखिएगा। तो इसी को लेकर संपूर्ण रणनीति रहमान सर से लेंगे कि किस तरीका से बचे हुए 40 दिन में आप क्या करें ताकि आपका शिक्षक में रिजल्ट बने, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह शिक्षक बन सके। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सर जब कल OMR शीट जारी किया गया उसमें पांच प्रकार से सबका अलग अलग था, तो उसमें पांच ऑप्शन इस बार फिर आएंगे। नहीं देखिए, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, अब शिक्षक से संबंधित पहले जिस वक्त हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे, अभी भी तो करते हैं लेकिन अब तो खैर संभव नहीं है, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि लड़कों ने पूछा था हमसे कि ऑप्शन कितने रहेंगे और नेगेटिव रहेगा कि नहीं, तो मैंने स्पष्ट रूप से जितने मेरे बच्चे उनसे पूछेगा आप, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि निगेटिव भी रहेगा और ऑप्शन में पाँच को रहेगा, पाँच रहेगा, क्योंकि परीक्षा BPSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब जिस तरीका से प्रिंसिपल वाला में था सेम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न है। अब देखिए 40 दिन बचा है जी, मात्र नहीं, 6 घंटा में तो ब्रह्मांड बन गया है, तो 40 दिन में शिक्षक नहीं बन सकते हैं ये लोग। जैसे ही पढ़ा, जितना को तो मैं जान रहा हूँ कि जब जितने हमसे पढ़े, जितना टेस्ट दिए, जैसे पढ़े ये लोग, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, बिहार, सब कुछ तो पढ़ा ही होगा, मैथ भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी कितना ज़्यादा सुधरा होगा ये तो रब जाने, लेकिन इतना दिन में इन लोग से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये 40 दिन को में ये लोग प्रत्येक दिन तीन को सेट मारे, तीन सेट किसी परिस्थिति में, कहे कि BPSC टीचर पास कर जाना बहुत बड़ी बात है या नहीं है, लेकिन फेल कर जाना बहुत बड़ा आफत है मेरे बाप, बहुत बड़ा आफत है, क्योंकि उंगली उठेगी BPSC टीचर पास नहीं किया, इसलिए इसमें तो तीन सेट डेली बनाना होगा, जितना इन लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करें, और जो चीज़ मान लिया कि इनका इनके पास जो चीज़ कमज़ोर है मैं उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें, करेंट अफेयर रेगुलर पढ़े, करेंट अफेयर एक साल का रेगुलर पढ़े, और मैंने कहा था SCERT 9th-10th का और 9th-10th-11 NCERT पढ़ा, तो उस आधार पर लोगों ने तैयारी कर रखा है, अब प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस और मोर टेस्ट अच्छे से जो। सर ये मान लीजिए जो अभ्यर्थी गांव पर रहते हैं या घर पर रह रहे हैं, दो सेट या एक सेट लगा लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसमें ये लोग फंसते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है जिसके बारे में ये लोग जानकारी नहीं करते हैं, केवल सेट गिनने से होगा कि उसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है? देखिए डिस्कशन तो निश्चित रूप जरूरी होता है, लेकिन आजकल की परंपरा चल पड़ी है कि एक ही टीचर सब चीज़ डिस्कशन करा देता है, या तो उस सबसे नहीं होगा डिस्कशन, एक्चुअली में वो डिस्कशन रेगुलर उसी तरह का डिस्कशन जहाँ पर क्लास भी चलता हो संभव नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करा दीजिए, बाकी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन सैटरडे को तो डिस्कशन होना चाहिए अलग अलग शिक्षकों के द्वारा,
होना चाहिए, डिस्कशन जरूरी है। गांव देहात में जो रहते हैं उनसे भी तो मैं स्पष्ट रूप से कहता ही हूँ कि यूट्यूब पर भी करा देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उससे भी करें, लेकिन टेस्ट दे, तीन को टेस्ट डेली दे, तब भी होगा। दर्पण को चाट गए होंगे या चाटते होंगे, यानी भुला जाए कि 40 दिन में दुनिया भी उनके लिए है। 40 दिन किसी को याद नहीं, किसी 40 दिन दुनिया भी उनके लिए है। ये अगर भुला गए तो ये शिक्षक हो जाएंगे और जिंदगी सुधर जाएगी। सर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी भी ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन ले रहे हैं कि हम क्या करें और क्या तरीका अपनाएं, क्या NCERT पढ़ लें या SCERT पढ़ लें या देखें, तो उनको नया अब कुछ नहीं पढ़ना है। NCERT अब पढ़ना शुरू करेंगे, SCERT अब पढ़ना शुरू करेंगे तो बुड़बक है। पहले से जो पढ़े हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उस सबको पहले से जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करें और करेंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहे और डेली तीन को सेट मारे। कोई नया चीज मत पढ़े, कोई नया गाइड आ गया, कोई नया फलाना चीज आ गया, कोई एटम बम आ गया, कोई परमाणु बम आ गया, नया नया अच्छा जो कवर लगा के, तो वो सब चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो पढ़े हैं उसका रिवाइज और जबरदस्त सेट प्रैक्टिस। मतलब कितना समय दे दें सर बच्चे? ए भाई ये तो क्वेश्चन बड़ी यक्ष प्रश्न है, लेकिन जिस चीज से बच्चों की जिंदगी बनने वाली हो, जिस चीज का इंतजार 5 साल से जो लोग कर रहा हो, उन लोगों को अब समय बताने की आवश्यकता है। जब तक दे सकते हैं समय दे, पलटिए किताब सहित बेड पर सूत गए, सूत गए तो 12 फिर जगह तो पढ़ते, फिर जगह तो पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा अभी श्योर रिजल्ट के लिए, रैंकिंग में रिजल्ट के लिए, अच्छा मन चाहे स्कूल जाने के लिए। सर कल भी देखे होइएगा, पेपर में भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि विचार कर रहे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर, तो क्या यदि नियोजित शिक्षक पर विचार हो जाता है तो इन अभ्यर्थियों का राह और आसान हो जाएगा? देखिए नियोजित शिक्षक पर विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध हम लोगों ने भी किया था और जो करने का मूल कारण ये था कि 15 साल 16 साल 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे थे बेचारा, अगर मान लें कि फेल कर सबसे मतलब है नहीं, आप ये टेस्ट है आपको कंपटीशन टाइप का, तो अगर फेल कर जाता तो मोरली डाउन हो जाएगा, और उसको माफ़ कर दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धियों की माननीय मुख्यमंत्री की, इसलिए हमने किया था। तो इसमें विचार कर माफ़ करते, इन लोग को आसान आभारी तो नहीं है, इसमें जो भी लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा है अच्छा से पढ़ लिया है वो उस बार पास कर जाएगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है। हाँ, इसके बाद जो BPSC से परीक्षा होगी तो उसमें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन गहरे होते जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टफ होगा ये नहीं कह रहे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्या संदेश होगा जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं सुदूर गांव से या पटना से या कहीं से भी पूरे देश से, उनको आप क्या संदेश दीजिए शिक्षक अभ्यर्थी? बस यही कहेंगे बाबू जो बताए हैं जितना NCERT NCERT जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो, करेंट अफेयर्स को लव लेटर भी जैसा पढ़ो, और सबसे बड़ी बात हम आपसे यही कहेंगे बाबू रे बड़ी अच्छा मौका है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, भाग मास्टर भाग, अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मौका ना मिलेगा दोबारा। लास्ट प्रश्न है सर, बहुत सारे विद्यार्थी हैं अभी भी 8-8 घंटा क्लास कर रहे हैं, अभी भी करेंगे क्योंकि कोर्स पूरा होगा उसके बाद ही जाएं, ये क्लास कब तक कर लें उसके बाद बैठ जाएं रूम पर? देखिए 20 दिन ये लोग और क्लास करें, 20-25 दिन मैक्सिमम 25 दिन 25 दिन गिन के क्लास करें, और उसके बाद 15 दिन एकदम चौ से चुतर चौ चटाई पर चौ चिपका के खाली पॉजिटिव प्रैक्टिस, सेट बहुत हमारे नकारात्मक लोग से बचे, चोर दलाल से बचे, बहुत लोग आएंगे बोलेंगे हम करा देंगे, उनसे बचे और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें। 25 दिन लगातार क्लास में रहने बच्चों को होता है कि जागते रहते हैं, तो 25 दिन क्लास में रहें और क्लास में भी रहें तो क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात बता दें, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, लगे कि मैं सर से नहीं पूछ पाया, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर से मैं सर का इंटरव्यू लूंगा, और जो आप चाहते हैं इसके बाद रामान सर से जिस पर डिस्कस करना, आप लोग जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।